भारतीय अदाकार गोविंदा घर में अपनी ही रिवॉल्वर से गोली चलने से जख्मी हो गए। 60 साल अदाकार से गलती से गोली चल गई जो कि उनकी टांग पर लगी और वो जख्मी हो गए। वाकये के बाद उन्हें फौरी करीबी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गोविंदा की टांग से गोली निकाल ली गई है। अब अदाकार की हालत खतरे से बाहर है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिवॉल्वर अलमारी में रखने के दौरान गिरने से हादसाती तौर पर गोली चली। गोविंदा वाकये के वक्त अपने घर में अकेले थे। मदाहू ने वाकये पर तशवीश का इजहार करते हुए अदाकार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। भारतीय अदाकार गोविंदा घर में अपनी ही रिवॉल्वर से गोली चलने से जख्मी हो गए। 60 साल अदाकार से गलती से गोली चल गई जो कि उनकी टांग पर लगी और वो जख्मी हो गए। वाकये के बाद उन्हें फौरी करीबी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गोविंदा की टांग से गोली निकाल ली गई है। अब अदाकार की हालत खतरे से बाहर है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिवॉल्वर अलमारी में रखने के दौरान गिरने से हादसाती तौर पर गोली चली। गोविंदा वाकये के वक्त अपने घर में अकेले थे। मदाहू ने वाकये पर तशवीश का इजहार करते हुए अदाकार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।